गाड़ी का काम खैर का हो चुका है अब से 10-15 दिन पहले, और गाड़ी का रियर मिसिंग। अभी अपने पास आई है, हमारे एक भाई ने वो लेके आए हैं। अभी दिखाओ जरा इस गाड़ी में, बहुत बुरी तरह इंजन धड़धड़ा रहा है ये, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, हेड का काम हो रखा है, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, और क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करेंगे। इसमें साइलेंसर देखो, बंद ही हो गई गाड़ी, ठीक है, अपने आप ही गाड़ी बंद हो गई। और देखो मीटर के अंदर चेक इंजन की लाइट आ रही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गाड़ी, और बहुत लॉन्ग सेल्प लेके स्टार्ट हो रही है, देख रहे हो, गर्म होने के बाद तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लंबा सेल्प ले रही है, बहुत बुरी तरह जर्किंग है गाड़ी के अंदर। तो आज इसी चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, स्कैनर लगाते हैं और देखते हैं क्या इसमें कोड आया है और क्या फॉल्ट आ गया है। क्योंकि हेड का काम होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम इसमें रहनी नहीं चाहिए, 15 दिन बाद क्या प्रॉब्लम आई इसके अंदर वो चीज़ चेक करते हैं। कोड आ रहा था, मैंने स्कैन किया गाड़ी को, P0016 आ रहा था, केमशाफ्ट का दिखाता है। तो ये एक सेंसर ये रहा निकाल लिया मैंने, एक यहाँ पर है, दूसरा कहाँ है, ये रहा, ये दोनों सेंसर मैंने निकाल लिए। लोकेशन एक तो यहाँ होता है पीछे, ठीक है, एग्जॉस्ट की केम के लिए, और एक यहाँ होता है इनटेक की केम के लिए, ठीक है। ये इनटेक वाली केम है इधर। अभी इन ये जब खोले हैं तो इनके ऊपर ना हल्का सा, एक बार पकड़ना बेटा, इसको साफ करो, ये रुक जा, ये कुछ इस पर पार्टिकल सा लग रहा है मुझे, ये जो है ना ऊपर इसके, अब मैं इसको साफ़ करूँगा तो ये उंगली पे कुछ पार्टिकल सा आ रहा है, जैसे कुछ कट रहा हो अंदर, ये देखो है ना, कुछ कटा हुआ सा लग रहा है ना, तो ये हो सकता है टैपिट वैपिट का इसमें इशू हो। अभी इसका केम साफ्ट खुलवा रहा हूँ मैं, और सेंसर वगैरह तो मैं इनका रेजिस्टेंस वगैरह अभी चेक करता हूँ, ये ख़राब है कि नहीं है, ठीक है। सेंसर चेक कर लिए, एकदम प्रॉपर हैं, सेंसरों में कोई कमी नहीं है, रिप्लेस भी करके देख लिए दूसरी गाड़ी के, फिर भी सेम कंडीशन है गाड़ी में। ये तीनों वायर जो हैं ये हम यहाँ से यहाँ तक ECM तक कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, और बॉडी ग्राउंड भी चेक कर रहे हैं गाड़ी का, और कहीं से वायर शॉर्ट तो नहीं है, बॉडी ग्राउंड लेके उसको भी चेक कर रहे हैं। आ जाओ, तो अभी ले लो पीली वाली, ये वाली वायर ले लो पीली, वाइट ना जितना नहीं, ये वाली पीली ले लो, पीली पे हल्की सी वाइट है, ठीक है। तो अभी वायरिंग की कंटिन्यूटी तो बिल्कुल ओके है, ये बीप साउंड आ रहा है, ठीक है, इससे ये क्लियर हो गया कि वायरिंग ओके है। लेकिन अभी बॉडी ग्राउंड और चेक करेंगे हम, बॉडी से टच करो, ठीक है, बॉडी से टच कर रहे हैं तो ये कोई बीप साउंड नहीं है, यहाँ सुनो, यहाँ वहाँ भी दिखाओ जरा, ठीक है, बॉडी ग्राउंड कोई नहीं है। इसी तरीके से हमें वायरिंग चेक करनी है सारी, वायरिंग कर ली है प्रॉपर तरीके से इसकी चेक, कहीं भी कोई वायरिंग शॉर्ट टू सर्किट या शॉर्ट टू ग्राउंड नहीं मिला है ना, शॉर्ट टू सप्लाई होता है जो, कुछ नहीं मिला। वापस से इसको पैक कर रहे हैं, दोनों सेंसर की कनेक्टर जो है ये दोनों वायरिंग हमने अच्छे से चेक कर ली है, ये रहा सेंसर भी हमने चेक कर लिया है, ठीक है। अब बस इग्निशन ऑन करके सिग्नल और चेक करेंगे गाड़ी का, ECM के कनेक्टर वगैरह लगा के सिग्नल प्रॉपर है कि नहीं है, फिर इसके बाद अगर सब कुछ ओके है अगला स्टेप बताऊंगा। कंप्लीट कर दी वायरिंग वगैरह इसकी, अब फर्स्ट नंबर सिलेंडर की कंप्रेशन टेस्ट वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो इसकी एकदम बढ़िया आ रही है, 13.5 के आसपास। अभी दो और तीन में भी ऐसे ही चेक करते हैं, बस रुक जाओ, दो नंबर भी बहुत बढ़िया है, इसमें 11.5 के आसपास आया है, ठीक है, इसको खोल लेते हैं। नंबर की वैल्यू चेक की है, ये 12 तक आ रहा है, ठीक है, ये भी ओके आ रहा है। नीचे का सिलेंडर, तीनों सिलेंडरों की वैल्यू जो है वो अलग अलग आई है, इससे ये क्लियर हो गया नीचे जो है ब्लॉक असेंबली उसमें कोई कमी नहीं है, हल्का फुल्का सा प्ले है, दिक्कत है वो तो मैनेज हो जाएगा, उसमें रिंग विंग डाल देंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम आई है वो ऊपर है हेड के अंदर इसमें, क्योंकि केम के जो बोल्ट है ना, केम शाफ्ट के जो सेंसर हैं, इस पर भी पार्टिकल आए हुए थे, जैसे कुछ कटा हुआ हो अंदर, तो अब इसका हेड वेड खुलवाएंगे हेड। तो अभी मैनिफोल्ट वगैरह बेल्टे वगैरह अभी उतारी नहीं है, खोलना स्टार्ट कर दिया है, और इग्निशन कोयल वगैरह निकाल दिए। अभी इसके टैपिट कवर के बोल्ट खोल रहे हैं पूरे,
एक बोल्ट ये रह गया है अभी, और एक ये रह गया है। ठीक है, यहाँ से तो खुला हुआ है, इसमें रह गया है। इसके अंदर बहुत फिटिंग होती है भाई खाई करके। इसको खोलता हूँ ज़रा, टैपेट कवर को निकालता हूँ एक बार। टैपेट कवर निकाल लिया है, और इसके ऊपर जो हल्का हल्का सा, देख रहे हो कितने पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं काले काले से, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कट गया हो। अभी केम के इसके बोल्ट खोलेंगे, और ये वाले कैप, इनको खोलने के बाद चेक करेंगे, केम तो नहीं कट गई है। और थोड़ी देर तक हमने गाड़ी बंद करके इसको स्टार्ट किया था, मतलब चेक करने के लिए वायरिंग वगैरह स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद ये कहानी हो गई इसकी। देख रहे हो बेल्ट, सॉरी चेन, देखो ये हालत हो गई है चेन की, और ये कारण है वाल टकराने का। अभी जब इसका हेड खोलेंगे, इसके पक्का वाल टकराए हुए मिलेंगे। काइगर है ये, रिनोल्ट की, सॉरी ट्राइबर है, ठीक है। और ये है इसकी हालत अभी। तो अभी टाइमिंग निकाल लिए इसकी, टाइमिंग किट को मैं दिखाऊंगा आपको। और ये अभी केम खोली है, कैप निकाला है, और देखो केम कट गई है यहाँ से दोनों तरफ से। ये वाला निकालो ज़रा, इसको निकालो कैप को, इधर से भी कट रही है हल्की हल्की सी, और यहाँ पे ये सीज हो गई है केम। इधर दिखाओ उस तरह, हाँ ये देखो बीच में देख रहे हो, ये बीच में से उठी हुई है, साइडों में से कट गई है। जो केम शाफ्ट सेंसर पे जो आ रहा था ना पार्टिकल, वो इन्हीं की वजह से आ रहा था। देखो ये कटी पड़ी थी, यहाँ से देखो कट के कितनी बैठ गई है बीच में से, अलग ही दिख रहा होगा, बिल्कुल प्लेन होती है ये। ठीक है, चलो ये तो निकल गई। ये इसके बकेट हैं, ये देखो, देख रहे हो गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर चल गई है, तो इंजन ही हो जाता तो ही ठीक था। कोई नहीं, चलो अभी खोलते हैं। ये वाली केम का दिखाता हूँ एक मिनट रुको जरा उस्ताद जी, ये देखो बीच में से पूरी ख़त्म हो गई, यहाँ से इधर से भी कट गई पूरी, हो रही है ना महसूस। अब बताओ, ये देखो बाहर निकालो जरा, यहाँ दिखाओ, ये देखो ये कट गई पूरी, ये वाली कट गई, ये हालत ख़राब हो गई केम की। या तो ये चेंज करनी पड़ेंगे, या इनको बनवाना पड़ेगा, जो भी है खरा दिया देखेगा। अभी हेड और खोलते हैं, देखते हैं वाल टकराए हैं, पिस्टनों की क्या कंडीशन है और वाल की क्या कंडीशन है। तो ये टाइमिंग चेन एडजस्टर है, पूरा बाहर खुल गया, जितना टाइट कर सकता था इसने करिए, एक लेवल तक आके ये रुक जाता है, अब इससे ऊपर आ ही नहीं पाएगा। इसी वजह, यही कारण बना इसका, क्योंकि केम कट गई, चैन लूज हो गई उसी वजह से। ये इसके बकेट हैं, ये पूरा टाइमिंग चैन हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर भी चल गई है, तो इस टाइमिंग चैन को तो रिप्लेस करेंगे विद गियर वगैरह। देख रहे हो ये गियर है इसके, करेंगे कुछ ना कुछ इंतजाम इसका। ये देखो गियर, खोल के करना पड़ेगा ये। चलो बहुत बढ़िया, साइड में ले लो। ये इसका इंजन है भाई, जरा इसे रोटेट करो उस्ताद, इसकी स्लीव भी गई, स्लीव भी कटी पड़ी है, स्लीव है ना, स्लीव भी कट रही है। ऊपर लो, ऊपर टॉप पे लो एक नंबर को। जो वाल टकराए हैं इसके ऊपर, ये देखो पिस्टनों पे, इससे क्लियर हो गया, टाइमिंग इसकी आउट हुई है, और पिस्टन में कोई कमी, हाँ ये कोई नहीं, एक नंबर, ये घुमाओ साथ, घुमाओ ज़रा। इनटेक के वाल टकराए हैं, एग्जॉस्ट के बिल्कुल ओके हैं, इधर देखो ये भी। अब ये कंफर्म कैसे हुआ, क्योंकि इस तरफ कुछ नहीं है, यहाँ इधर एग्जॉस्ट के वाल रहते हैं, यहाँ कुछ नहीं हुआ, इनटेक के वालों ने सफाई कर दी सीधा टकरा के। ये कमी इसमें भी है भाई, टकराने के बाद आवाज़ तो आई है। ये भी चलो घुमाओ, ये रे 6 के 6 इनटेक के वाल टकराए हैं। चलो ठीक है, ये हैं इसमें इनटेक के बड़े वाले वाल। अब इस सिलेंडर देखो, ये
इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चर है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है कोई सा भी सिलेंडर, क्योंकि टाइमिंग हल्की सी मिसमैच हुई है, ये वाल टकराने स्टार्ट। प्लगों की कंडीशन आप देख सकते हो, प्लग अगर अच्छे से काम करेगा तो रेड होगा या वाइट होगा, ये बिल्कुल कार्बन आया हुआ है इन प्लगों पे तीनों सिलेंडर में। वो भी करते हैं, खोल लेते हैं पूरा, अभी इसको खराबी को देंगे हेड को, और इंजन का टाइमिंग वाइमिंग जो है ये टाइमिंग किट है, इसको भी चेंज करेंगे, करते हैं तरीके से। हेड असेंबली आ गई है वापस से, और इसके देखो हमने वाल जो है ये इनटेक के टकराए थे ना सारे, और ये एग्जॉस्ट के दोनों वाल हमने रिप्लेस करवा दिए हैं इनटेक एग्जॉस्ट के, एकदम बढ़िया से वाल वाल सील सीट गाइड प्रॉपर। आपको पता ही है मैं जेन्युइन काम करता हूँ तो सारा काम एक बार हो जाए, फेस बिल्कुल ओके था। ठीक है, अभी जो मेन प्रॉब्लम थी इसमें ऊपर की तरफ थी, तो ये जो केम है ना यार, ये केम चेंज करवाई है मैंने, ये कट गई थी, ये चेंज करवाई चली नहीं। क्यों चेंज करवाई? अगर पहली बार कट जाती तो बहुत सी बार होता क्या, रिपेयर हो जाती हैं, ग्राइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये केम चेंज करवा के सेट करवा दिए, अब बस सीधा गाड़ी में लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। और टाइमिंग किट ये है, ये सारी चीज़ मैं इसमें चेंज करने वाला हूँ, ये देख रहे हो, ये नीचे वाला गियर, ये ऊपर वाले दोनों इनटेक एग्जॉस्ट के, क्योंकि VVT लगा हुआ है तो इस तरीके का केम का गरारी आएगा ऊपर वाला। तो ये एडजस्टर हो गया, ये सारी चैन वैन हो गई, ये सब चेंज करने वाले हैं, सफाई होना स्टार्ट हो गया इंजन का, अब बस फिटिंग करते हैं। टाइमिंग किट और अपने जो गियर हैं, केम के जो गियर हैं, ऊपर की पुली, वो सारी चीज़ मैं ले आया हूँ। दोनों स्पोकिट हैं, और ये गियर है, और ये पुरानी टाइमिंग किट है, टाइमिंग चैन है सॉरी, और ये दोनों इसके इनटेक और एग्जॉस्ट के गियर हैं केम के। ठीक है, और ये नीचे वाला स्पोकेट जो क्रैंक पे रहता है। सबके पार्ट नंबर देख लेते हैं पहले, इसका देखो लास्ट में 2616R है, ठीक है, और इसका है लास्ट में 2701R। ठीक है, और ये हो गया टाइमिंग अपना एडजस्टर, ठीक है, 562R, और ये चैन, ये हो गया 2369R, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया 8247R। क्लियर देख लो सही से, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, पहले इसके जो गियर हैं ये मैं लेके आ गया हूँ, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ मैच कर लेते हैं, 2369R एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट, ठीक है, ये नया वाला है। अभी पुराना वाला 8247R, ठीक है, 8247R, ठीक है, इनटेक का ये क्लियर हो गया। अब ये इसका गियर है, ठीक है, नया वाला, तो इस पर कोई पार्ट नंबर नहीं होता, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। अब आ जाते हैं टाइमिंग किट पे, तो ये निशान की ओरिजिनल टाइमिंग किट, ठीक है, निशान की हो या रेनो की हो। अब निशान की मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि काइगर हो गई और मैग्नाइट हो गई और अपनी ट्राइबर हो गई, इन गाड़ियों का सेम टू सेम होता है। अभी मैं इसको खोल लेता हूँ, अंदर भाई ये निकला है टाइमिंग किट, अभी देखो सेम टू सेम मिलेगा एकदम, कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। यहाँ देखो लास्ट में बी है, लास्ट में बी है 2616R, ठीक है, और इसमें भी देख लो आप, थोड़ा सा ये वाइट है, इस पर क्लियर नहीं हो पा रहा, पर ऐसे देखो 26, जैसे रोशनी लग रही है, रोशनी लगते हुए देखो 2616R और लास्ट में बी, ठीक है। अब इसका मैच कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है, ये आ गया यहाँ पे। इसका भी देख लो पार्ट नंबर बिल्कुल सेम टू सेम है इसका, 130-85-2701R-B, और इसका भी यही है 130-85-2701R-B। ये है इसकी चैन, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। ओहो गिर मत भाई। अब ये हो गया टाइमिंग चैन एडजस्टर, ये देखो ये बिल्कुल सेम है, पार्ट नंबर भी 130-704-562R-A, 130-704-562R-A, तो बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट में लेके आया हूँ दोस्तों। और अब इसको गाड़ी में लगाएंगे, लगाने के बाद गाड़ी अपने मुंह से बोलेगी और एकदम सेट हो जाएगी। तो ये तो था सारा हेड का हिसाब किताब। हमने आपने देखा होगा जब वीडियो में पीछे मैंने ब्लॉक के पिस्टनों को दिखाया था, उसमें प्ले आ रहा था बहुत ज़्यादा, और बोर स्लीव भी बहुत बुरी तरह ख़राब हो रही थी, उसमें लाइनिंग आ रही थी, बोर स्लीव कटी पड़ी थी, पिस्टन भी ख़राब हुए पड़े थे, पिस्टनों पे दाग आया हुआ था,
कस्टमर को हमने बोला था कि सर करा लो चेंज, बट कस्टमर रिक्वेस्ट होती है उसी पे काम करना होता है, उन्होंने बोला नहीं भाई हेड ही चला दो, तो हेड को ही कर रहे हैं। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं कब तक चले। इंजन जेन्युइन होता तो बढ़िया काम चलता, हम भी श्योर रहते। कि साफ़ सफाई करके हेड गैसकेट हमने रख दिया है, और अभी आप देखो ध्यान से यहाँ पे ये ब्लॉक के बीच में देख रहे हो, यहाँ पर ये लाइनिंग जो दिख रही है ये अब सही से देखो, ये बोर स्लीव है ना, ये बिल्कुल ख़त्म है, नीचे का हिस्सा ख़त्म है। हम कस्टमर को कई बार बोल चुके, बट ये है, आप क्या करें, हेड गैस हेड ही कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी टाइमिंग कर दी है कंप्लीट, मैं टाइमिंग दिखा देता हूँ मार्का इसमें कहाँ कहाँ होनी चाहिए। ये देखो ये एग्जॉस्ट की इनटेक की है, तो इनटेक के ऊपर यहाँ देखो ये बिंदु है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ छोड़ दो एग्जॉस्ट, इस पर यहाँ ये बिंदु है, ठीक है, जो डिसकलर बिंदु के सामने है, यहाँ छोड़ दो। और अब नीचे आ जाओ, नीचे इस बिंदु के सामने होना चाहिए, ये है ना पॉइंट, इसके बिल्कुल सामने देख रहे हो, बिल्कुल जीरो जीरो है। तो ये रिनोल्ट ट्राइबर हो गई, मैग्नाइट हो गई, काइगर हो गई, इन तीनों की टाइमिंग आप ऐसे कर सकते हो। नई टाइमिंग किट डाल दी है मैंने इसमें। गाड़ी हो गई है भाई ऑलमोस्ट कंप्लीट, टैपेट कवर तक भी सब लगा दिया है, मैनिफोल्ड वगैरह सब, ऑल्टरनेटर वगैरह, बेल्ट वगैरह सब ए टू जेड कंप्लीट हो गया है, कंप्रेसर की बेल्ट वेल्ट सब लगा दिया, माउंटिंग लग गई है, बस अब फाइनल फिटिंग चल रही है, पीछे के पाइप वगैरह साइलेंसर के बोल्ट लगाने हैं, और बस ये वायरिंग रह रही है, बस अब इसको लगा के स्टार्ट करेंगे बस अब गाड़ी थोड़ी देर में। तो गाड़ी हो गई है स्टार्ट, ठीक है जी, ये कैनिस्टर का पाइप वाइप टूटे पड़े हैं, इन्हें प्रॉपर करो, और अब थोड़ी देर इसका फैन वैन चेक करेंगे गाड़ी को स्टार्ट करके, ठीक है, मीटर में देखते हैं लाइट वाइट तो नहीं है, ठीक है जी, नॉर्मल है। अब इसका फैन वैन चेक कर लेते हैं गाड़ी का एक बार, अभी जो इसमें आवाज़ आ रही है ना कड़क 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 की, अभी देखो क्लच दबवाता हूँ, बंद छोड़ दो, आ गई, बंद दबाओ, ख़त्म, छोड़ो, आ गए। तो क्लच में भी दिक्कत है इस गाड़ी के, दबाओ क्लच, क्लच दबे दबे में कितना शांत है इंजन, छोड़ते ही क्लच की आवाज़ कर रही है। चलो अभी सर हम होने देते हैं, फैन वैन चलाते हैं, गर्म होने के बाद ही आवाज़ भी बंद हो जाएगी। अभी स्टार्ट हो गई है गाड़ी बढ़िया से, हो गई है एकदम बिल्कुल सेट, इंजन पे लेके आओ, ठीक है। तो अभी इसमें कमियां क्या क्या थी, इसके नीचे के जो पिस्टन रिंग वगैरह थे, मतलब नीचे का जो ब्लॉक असेंबली है वो बिल्कुल ख़त्म, उसका काम होना था, कस्टमर साहब ने पता नहीं क्यों नहीं करवाया, क्या रीज़न रहा। दूसरा एबनॉर्मल साउंड जो आ रही थी वो क्लच से थी, तो मेरे मन मुताबिक काम नहीं हुआ एक्चुअली, उन्होंने कहा सर इसको चलती ऐसी कर दो कि चल जाएगा, थोड़ा सा 10-20 हज़ार किलोमीटर चल जाए, पर कोई गारंटी नहीं है कि इतना चलेगा। इंजन का एक बार काम होता है, जेन्युइन काम हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। अब मुझे भी श्योर नहीं है कि इसमें कितना किलोमीटर तक चलेगा, ठीक है। अब आ जाओ अंदर देख लेते हैं, कोई लाइट वाइट नहीं। जब ये गाड़ी आई थी तो इसके मीटर में चेक इंजन लाइट थी, ठीक है, अभी कोई लाइट नहीं है, लो मीटर में कोई लाइट नहीं है, और आरपीएम देखो बिल्कुल स्टेबल है 1000 तक, ठीक है, और पेट्रोल इसमें कम है यार, वो चीज़ अलग है, वो देख लेंगे, लेकिन अब गाड़ी एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, रेडियो भी चल गया गाड़ी का। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ट्राइबर हो या काइगर हो या मैग्नाइट हो गाड़ी, सब गाड़ियों का सेम टू सेम ही इंजन है और प्रोसीजर है। तो दोस्तों गाड़ी चला फिरा के मैंने बढ़िया से इसको चेक कर लिया है, फ़ैन भी ऑटोमेटिक टेम्परेचर पर चल रहा है इसका बढ़िया से, और अभी क्या है कि अब हम इसको गाड़ी को दे देंगे जो भाई लेके आए थे हमारे पास, ठीक है, ये किसी मैकेनिक भाई के पास थी गाड़ी, तो वो हमारे पास ही लेके आए, और ये गाड़ी अब कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो चलो थैंक यू सो मच, वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, कुछ कमी छोड़ी हो मैंने तो वो भी ज़रूर बताओ कमेंट करके, ठीक है। मैं देखता हूँ कौन सा मैकेनिक भाई मेरी कोई कमी ढूंढता है, ठीक है, कमेंट ज़रूर करके बताओ। तो चलो फिर थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जय हिंद जय भारत।